अभी जो दिखाने वाला हूँ वो नज़ारा काफ़ी बेहतरीन है। ये देख पा रहे होंगे आप कि कितना ही प्यारा ये वाटरफॉल है। छोटा सा है पर बहुत ही प्यारा है, क्योंकि आज हम ना आपको पूरे अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाने वाले हैं। आज मैं घर से भी लेके जाऊँगा। ये देखें लगा के हम ऐसे पैदल चल रहे हैं, और ये देखें ये पुराना पुल है, और यहाँ से आप हाइट देखें इस जा रहा हूँ सीधा यार मेरे बाइक के पीछे वाले टायर के साथ बजा के सीधा। मतलब मुझे समझ नहीं यार, मतलब दिख इतनी बड़ी बाइक उसको दिखी नहीं, तो बाइक को तो कुछ भी नहीं हुआ, बाइक को क्या होना था, पर पाँव में थोड़ी सी लग गई है। ये देखिए थोड़ी सी बस। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खैरियत से होने चाहिए। तो आ चुका हूँ एक और बार नए ब्लॉग के साथ, और आवाज़ अभी भी थोड़ी बहुत आपको मेरी चेंज ही लग रही होगी, क्योंकि थोड़ा सा बीमार भी हूँ। और आज मैं मोटो ब्लॉग करने जा रहा हूँ पर बिना सेटअप के, और आज हमारे साथ हैं भाई अपने आकिब हफीज़ भाई। ये रात को ही कश्मीर से है भाई। हाय, मेरी ऑडियंस को हाय तो कर दो भाई, हैं शर्मा क्यों रहे हो? ये बाबूराव का स्टाइल है। हम करने वाले हैं 220 पे ब्लॉग। ये अपने आकिब भाई लेके आए हैं कश्मीर से, ये नहीं किए, तो अभी इसको ऑफ रोड पे लेके जाने वाले हैं। तो और है हमारे साथ आज यूसुफ भाई। यूसुफ भाई तो आज फुल राइडर बन के आए हुए हैं, जैकेट वैकेट दलाल डाल के, है ना। बड़े दिनों के बाद आज जा रहे हैं हम राइड पे, तो फिलहाल चलते हैं राइड करते हैं शुरू, और देखते हैं भाई क्या रहता है क्या नहीं। तो निकल चुके हैं भाई राइड पे। आकिब भाई बाइक चलाने वाले, क्योंकि आपको पता है मेरी सेहत थोड़ी ठीक नहीं है, तो पीछे ठीक है, पीछे उतनी हवा नहीं लगती, आगे बहुत ज़्यादा वही हवा लगती। और आज ना काफ़ी ज़्यादा राइडर दिख रहे हैं हमें, मतलब इस रोड पे। और ये देखें भाई हिमालयन अपनी फेवरेट बाइक। तो मतलब आज ना संडे वाले दिन यहाँ पे एक अलग ही माहौल हो गया, आपको पता है एक राइडर वाली फीलिंग आती है हर किसी को। तो ये देखें एक और हिमालयन, काफ़ी मज़ा आ रहा है यार आज तो राइड करने का। काफ़ी ज़्यादा सुपर बाइक वगैरह भी आई हुई है, तो हम भाई रुकने वाले नहीं, हम डायरेक्ट चलेंगे आगे, क्योंकि हमारे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है भाई। तो हम सीधे जाएंगे अपना थोड़ा बहुत करेंगे राइड, और उसके बाद वापस आ जाएंगे। और भाई हम पहुँचे फिलहाल बन टूल प्लाजा, और यहाँ पे एक छोटा सा ना एक दुकान सी खुली हुई है, ये हाईवे वालों की तरफ से, और बड़ी सही है भाई। ये आजकल आपको जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पे हर कहीं पे होगी, तो अपन जाएंगे भाई बिल्कुल बाईपास, क्योंकि अपने पास स्पेशल एंट्री वो है भाई बाइकर्स की। और ये भाई मर्सिडीज़ वाला भाई कहाँ जा रहा है, कार्ड दिखाने जा रहे हैं भाई, हमें कार्ड दिखाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है ना। और आज हम जा रहे हैं कुछ अलग जगह को एक्सप्लोर करने, वो है भाई ये नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाली जगह। वो ऊपर हाईवे रहेगा, हम नीचे वाली साइड जा रहे हैं, आ चुके हैं कुछ इस तरह की जगह पे, और यहीं से हमें थोड़ा बहुत ना ऑफ रोड मिलने वाला है। और ये जो रोड है ना, ये पुरानी हाईवे हुआ करती थी जम्मू कश्मीर वाली, और आज देखें इसकी क्या हालत होगी हुई है। मतलब अभी इस रोड पे आना जाना नहीं, बस जिनके आगे घर हैं लोकल्स वही आते हैं इस रोड पे, बाकी कोई घूमने आ जाए आ जाए, तो वैसे कोई भी नहीं आता इस रोड पे। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप थोड़े बहुत घर भी हैं लोगों के, ये ऊपर मतलब ब्रिज है, देख पा रहे होंगे कितना खूबसूरत है नीचे से लग रहा हुआ। तो रोड की बहुत बुरी कंडीशन है, मतलब बजरी है बस ऐसा ही है। और यहाँ पे हमें दिखा एक प्यारा सा तालाब, देख पा रहे होंगे आप, काफ़ी खूबसूरत है और ऐसे बना के भी रखा है प्यारे से। और ये देख रहे हो वहाँ पे बकरियाँ बकरियाँ पानी वानी पी रही है, इससे इन बकरियों को ना पानी वानी की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि पानी हमेशा जमा रहता होगा। ये बिल्कुल इस पुल के नीचे है, और ये देखें भाई कुछ इस तरह की जगह। और यहाँ से ना पहला टंडल जो है ननी टंडल का शुरू हो जाता है ऊपर से, और फिलहाल हम उसके बिल्कुल नीचे हैं। तो चाचा ठीक है? चाचा देख रहे हैं भाई ये कहाँ जा रहे हैं, इस रोड पे तो कोई आता जाता नहीं है। फिलहाल भाई पहुंचे कुछ इस तरह की जगह पे, और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे काफी खूबसूरत व्यू पॉइंट है। और ये जो जगह नीचे, ये नगरोटा वाला एरिया है, वो सामने टूल पोस्ट वाला एरिया। और ये देखें भाई, और भाई अभी हमने यहाँ पे कितनी प्यारी सी मोर देखी, और जैसे उसने मतलब हमें देखा तो वो भाग गई भाई, पर बहुत प्यारी थी यार। अगर दिख जाएगी तो आपको भी ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल भाई पहुँचे हैं हम कुछ इस तरह की जगह पे, वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हाईवे है, ये टनल्स हैं, और अभी जो दिखाने वाला वो नज़ारा काफ़ी बेहतरीन है। ये देख पा रहे होंगे आप कि कितना ही प्यारा ये वाटरफॉल है, छोटा सा है पर बहुत ही प्यारा है।
उतना छोटा भी नहीं है, मगर जो जो उसके नीचे पानी है ना ये काफी ज्यादा गहरा है, यहीं से देखने में पता चल रहा है। अगर इंसान वहां पे जाए तो बहुत ही ज्यादा गहरा होगा, और वहां पे ऊपर भी पानी जमा हुआ है वो भी काफी ज्यादा गहरा है। और ये जो जगह है मुझे नहीं लगता कि इस जगह को अभी तक किसी ने एक्सप्लोर किया होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग दूर दूर जाके वाटरफॉल दिखाते हैं, और हम आज आपके सामने आए हैं, मतलब जो अपने लोकल में, ये तो थोड़ा सा जम्मू से मतलब लगभग 15-20 किलोमीटर दूर है। और ये देखें भाई कितना ही प्यारा यार, अभी मतलब शाम का टाइम है, नहीं तो हम बिल्कुल नीचे तक जाते और वहां से जो व्यू आता वहां पे आपको सब दिखाते। भाई हमारे सामने है बैर, काफी टाइम हो गया मैंने खाए नहीं है, मतलब तो आज खाते हैं भाई, और काफी पक्की हुई है मैं बता दूं आपको भाई, क्योंकि आज हम ना आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाने वाले। ये देखें भाई कितने ही खूबसूरत है यार, और ये बहुत ज्यादा मजेदार होंगे। और भाई अभी वो बाइक लेने गए हुए हैं और मैं आपको ये जगह दिखा दूं यार, मेरा ना मतलब इस जगह से काफी ज्यादा दिल लग गया हुआ है। ये देखें, ओ भाई आराम से, दो लफ्ज़ इस जगह के बारे में, ब्यूटीफुल प्लेस, बस बहुत अच्छी जगह है। क्या लगा कि हम ऐसे पैदल चल रहे हैं, और ये देखें ये पुराना पुल है, और यहाँ से आप हाइट देखें, इससे ज्यादा हाइट में यहाँ से नीचे से देख के पता चलता है कि कितनी ज्यादा हाइट है, डर लगता है भाई देख के। और वहाँ सामने भी एक वाटरफॉल है, यहाँ पे छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा वाटरफॉल हैं, और ये देखें भाई कुछ इस तरह की जगह, सिर्फ जंगल ही जंगल है मगर काफ़ी सुकून वाली जगह है, काफ़ी मज़ेदार जगह है। वापस इस जगह से, और अभी थोड़ा सा देखते हैं कहीं ऑफ रोड वाली जगह मिल जाती है तो ऑफ रोड करते हैं। हाँ नहीं नहीं वो शायद पीछे, काफ़ी खूबसूरत जगह थी यार, मज़ा आ गया यहाँ आते। सो गाइज अभी मैं आया था जानीपुर किसी ज़रूरी काम से, तो सेटअप के बिना ही आया था, बस ऐसे आया था, मगर मेरे साथ एक छोटा सा सीन हो गया। ये मेरा बाइक है, जैसे ही रोड दिखी आपको मैं ऐसे चल रहा था, और वहाँ से एक गली है ना, वहाँ से एक बंदा ही निकल गया, मतलब उसने पता नहीं देखा नहीं क्या, वो मैं सीधा जा रहा हूँ, सीधा आया मेरे बाइक के पीछे वाले टायर के साथ बजा के सीधा, मतलब मुझे समझ नहीं यार, मतलब इतनी बड़ी बाइक उसको दिखी नहीं, सीधा पीछे आगे बजा, पता नहीं मतलब थे बहुत स्पीड में थे वो, मैं थोड़ा मतलब ठीक था आगे रोड में, कौन सी ज़्यादा स्पीड होगी, तो बंदा सीधा पीछे वाला टायर के साथ आगे लगा। तो उसके बाद यार मैं क्या ही बोलूँ यार, अब सुबह तो और ज़्यादा कुछ नहीं, वैसे कौन से थोड़ी सी लगी है देखिए, ऐसे चमड़ी से थोड़ी सी हुई है भाई, मतलब सीधा यहाँ पे आके लगा, ये निशान देख रहे हो आप यहाँ पे, ये ऐसे फोल हो गया था, तो बाइक को तो कुछ ही नहीं हुआ, बाइक को क्या होना था, पर पाँव में थोड़ी सी लगी हुई है, ये देखिए पाँव में थोड़ी सी, अब यार बंदा कुछ बोल भी नहीं पाया मैं, क्योंकि यार बंदे एंकल भी नहीं थे, मतलब थोड़े उम्र वाले थे, तो उसी से पहले लगते ही बोलने के सॉरी बेटा सॉरी, फिर यार इंसान यहाँ से कुछ बोल भी नहीं पाता। फिर मैंने उनको इतना ही बोला यार अगर आप, मैं चलो खैर मेरे को नहीं लगी बाइक नहीं लगी, मगर इस आप अगर गली से निकल रहे हो कम से कम आपको देखना चाहिए ना कि बाहर कोई गाड़ी चल रही है, बाइक चल रही है, क्या पता कोई बच्चा ही चल रहा हो, कुछ भी हो सकता है, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए। तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक और कमेंट करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अच्छे से और मस्त से ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।